नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे T.S. इलियट के वस्तुनिष्ठ समीकरण के सिद्धांत का। इस सिद्धांत को अंग्रेजी में हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव थ्योरी ऑफ T.S. इलियट। प्रसिद्ध कवि, नाटककार तथा आलोचक टॉमस स्टांस इलियट का जन्म 26 सितंबर 1888 को सेंट लुई, अमेरिका के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। T.S. इलियट 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक प्रभावशाली समीक्षक हैं। उन्होंने पाश्चात्य समीक्षा को अत्यंत गहराई से प्रभावित किया है। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से 1910 ईस्वी में एमए किया। इसके बाद तर्कशास्त्र, तत्वज्ञान और संस्कृत और पाली चारों विषयों को मिलाकर दर्शन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1948 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1965 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार T.S. इलियट जो हैं बहुत ही जाने माने विद्वान हैं, क्योंकि इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और वास्तव में इस वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत क्या है, संक्षेप में यदि हम कहें तो जब भी कोई लेखक या रचनाकार या कवि कुछ लिखता है तो वह वास्तव में अपने भावों को पाठकों तक अथवा श्रोताओं तक संप्रेषित करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। अब वह कम्युनिकेशन की प्रक्रिया कैसी होगी, कैसे वह संप्रेषित कर पाएगा, क्योंकि जो उसके मन के भाव हैं वो तो अमूर्त हैं, जो दिखाई नहीं देते, लेकिन उस अमूर्त भावों को उसे पाठकों तक श्रोताओं तक पहुंचाना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, कैसे कोई लेखक या कवि अपनी भावनाओं को अपने श्रोताओं, दर्शकों अथवा पाठकों तक पहुंचाता है। इस संबंध में जब उन्होंने विचार किया तब इस सिद्धांत ने जन्म लिया। इस सिद्धांत को हम कहते हैं T.S. इलियट के वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। आइए आगे देखते हैं क्या है। इलियट ने कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जैसे कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत और वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। ये इनके कुछ प्रसिद्ध सिद्धांत हैं जिन पर इन्होंने विचार विमर्श किया है। वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अ थियरी ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यह पाश्चात्य समीक्षा के क्षेत्र में, पाश्चात्य आलोचना के क्षेत्र में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। इसे कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के कुछ नाम भी हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ सहसंबंधिता या वस्तुनिष्ठ पारस्परिकता अथवा वस्तुमूलक प्रतिरूपता या मूर्त विधान का सिद्धांत इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है। वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत इलियट के निर्वैयक्तिकता का जो सिद्धांत है, काव्य सिद्धांत, उसके संदर्भ का परिणाम है, जिसे इलियट ने काव्य के मूर्त विधान का फार्मूला अर्थात महत्वपूर्ण सूत्र कहा है। अर्थात जब इलियट ने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया, मतलब कवि की जब अपनी अनुभूति उसके खाली स्वयं की अनुभूति ना होकर जन साधारण की अनुभूति बन जाती है, निर्वैयक्तिक बन जाती है, निजी अनुभूतियां आम लोगों की अनुभूति बन जाती है, तो इसी संदर्भ में उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत का नाम है वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, कि कैसे कवि अपनी निजी अनुभूतियों को अपने पाठकों, श्रोताओं अथवा दर्शकों तक पहुंचाएगा। और इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया, एक सूत्र दिया, मूर्त विधान अर्थात बिंब विधान। मूर्त विधान का तात्पर्य दिमाग में चित्र बन जाना, बिंब बन जाना किसी चीज का। तो इलियट ने शेक्सपियर के विश्व प्रसिद्ध नाटक हैमलेट, शेक्सपियर नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं इंग्लैंड में, तो उनका एक प्रसिद्ध नाटक है हैमलेट, इसकी जब इन्होंने आलोचना की, इसकी समीक्षा की, तो इन्होंने पाया कि यह पूरी तरह से एक असफल कृति है। और इसके कारणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने यह संकेत दिया था कि शेक्सपियर नाटक की प्राचीन विषय वस्तु को उपयुक्त रूप प्रदान करने में असफल रहे हैं, क्योंकि कला में भाव प्रदर्शन का एक ही मार्ग है और वह है उसके लिए वस्तुनिष्ठ समीकरण को प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत हैमलेट की एक असफल काव्यकृति के रूप में आलोचना के अंतर्गत तथा इसके फलस्वरूप एक सफल काव्यकृति के लिए एक सूत्र के रूप में सामने आया। मतलब जब उन्होंने हैमलेट की समीक्षा की तो इन्होंने यह पाया कि जो नाटककार हैं शेक्सपियर,
वे अपनी भावनाओं को, तो हैमलेट की जो भावनाएं हैं, जो पात्र की जो भावनाएं हैं, उसकी जो अनुभूतियां हैं, उसको पाठकों तक अथवा श्रोताओं तक अथवा दर्शकों तक पहुंचाने में असफल रहे हैं, तो वे कैसे इसमें सफल हो सकते थे, अथवा किसी कृति के सफल कृति होने के लिए कौन सा फार्मूला जरूरी है, यह उन्होंने दिया। तो उन्होंने यह बताया कि जैसे कवि जब अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है तब वह उसके लिए कुछ प्रतीकों का सहारा लेता है, और प्रतीक कैसे होने चाहिए जो कि उसकी भावनाओं को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने में और पाठकों अथवा श्रोताओं अथवा भावकों अथवा सहृदयों तक पहुंचाने में सफल होने चाहिए। दोनों का संबंध ऐसा होना चाहिए कि वह उससे जुड़ा होना चाहिए, मतलब कोई भी प्रतीक नहीं उठा लेना है। अब हम देखते हैं, आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इलियट से पूर्व वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। अब यहां हम देखेंगे कि क्या टीएस इलियट से पहले भी इस प्रकार का कोई सिद्धांत विद्यमान था कि नहीं था, कि इसके जन्मदाता टीएस इलियट ही हैं। तो प्रायः ऐसा माना जाता है कि वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत या टीएस इलियट की देन है, इलियट ही सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। यह ठीक है कि टीएस इलियट ने इस सिद्धांत का प्रवर्तन किया, किंतु टीएस इलियट से पूर्व भी वस्तुनिष्ठ समीकरण, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इसका अस्तित्व था, किंतु इसे सिद्धांत के रूप में सामने लाने का श्रेय निर्विवाद रूप से टीएस इलियट को है। तो वास्तव में यह सिद्धांत के रूप में इन्होंने इसका प्रवर्तन जरूर किया, लेकिन यह जो शब्द है वस्तुनिष्ठ समीकरण अथवा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यह पहले भी विद्यमान था, पहले भी इस पर चर्चा होती रही है, लेकिन एक सिद्धांत के रूप में इसे व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय किसे है, टीएस इलियट को है। इसलिए यह माना जाता है कि वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वे कौन है, टीएस इलियट है, लेकिन वास्तव में यह शब्द पहले भी विद्यमान था और इस पर चर्चा परिचर्चा की जाती थी। तो वास्तव में यह संप्रेषण से संबंधित है कि कैसे कवि अथवा कलाकार अथवा लेखक अथवा साहित्यकार किस प्रकार अपनी अनुभूतियों को पाठकों तक, श्रोताओं तक, दर्शकों तक, भावकों तक, सहृदयों तक संप्रेषित करता है, कैसे कम्युनिकेट करने में सफल होता है, और वह किन चीजों का सहारा लेता है कि वह अपनी अनुभूतियों को, अपनी निजी अनुभूतियों को जनसाधारण की अनुभूति में परिवर्तित कर देता है। अब हम देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत की समस्या और उद्देश्य क्या है, किस कारण से इस सिद्धांत ने जन्म लिया और इसका उद्देश्य क्या है। तो इलियट ने अपने बहुचर्चित निबंध हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, मतलब इन्होंने एक प्रसिद्ध निबंध लिखा था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, मतलब हैमलेट और उसकी समस्याएं में मूर्त विधान को हम बिंब विधान भी कहते हैं, मतलब इमेज का निर्माण करना, दिमाग में चित्र का निर्माण करना, जैसे हम राम की शक्ति पूजा पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी नाराज जी की, तब हमारे दिमाग में एक बिंब उभरता है, भगवान राम का चित्र उभरता है कि वे बार बार पराजित हो जा रहे हैं रावण से, क्योंकि शक्ति उनकी सहायता कर रही है, और वे रात के अंधेरे में बैठे हुए हैं अपनी सेना के साथ, तो वह जो रात है वह निराशा का प्रतीक है, और वहीं पर एक मशाल जल रही है, सिर्फ एक ही मशाल है, और वह मशाल क्या है, रोशनी की प्रतीक है, उम्मीदों का प्रतीक है, आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है, इसे हम कहते हैं। तो जब हम उस कविता को पढ़ते हैं तब हमको एक बिंब उभर कर आता है, एक चित्र उभर कर आता है, इसे हम कहते हैं मूर्त विधान अथवा बिंब विधान। तो यही मूर्त विधान अथवा बिंब विधान का दूसरा नाम क्या है, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। तो इन्होंने इस ऐसे में, इस निबंध में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की व्याख्या एवं प्रतिपादन किया है। तो उनकी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की अवधारणा को भारतीय काव्य शास्त्र की विभावन व्यापार से संबंधित अवधारणा के एकदम निकट माना जाता है। मूलतः यह प्रक्रिया अमूर्त के मूर्त अथवा वैयक्तिक के निर्वैयक्तिक में रूपांतरण की प्रक्रिया है। तो जैसे भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जब आप पढ़ते हैं विभावन व्यापार मतलब आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, जब हम इसको पढ़ते हैं कि हमारे दिमाग में बिंब कैसे उभर कर आता है, जो नायक की चेष्टाएं हैं, नायक क्या क्या काम कर रहा है, नायिका क्या क्या काम कर रही है, किस प्रकार का वातावरण है, इन सबके माध्यम से हमारे दिमाग में एक बिंब, एक चित्र उभर कर आता है नायक और नायिका का, जिसमें बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, कि बाहरी वातावरण कैसा है, जैसे चांदनी रात है, नदी के किनारे नायक नायिका मिलते हैं, वहां पर एक नाव है, नदी में जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक बिंब उभरता है। तो
तो इसी बिंब निर्माण की जो प्रक्रिया है, ठीक वैसी ही प्रक्रिया क्या होती है, वस्तुनिष्ठ समीकरण की प्रक्रिया भी इसी प्रकार की प्रक्रिया है, जिसे हम हिंदी साहित्य में अथवा संस्कृत साहित्य में आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव इत्यादि के नाम से जानते हैं। तो यह प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया है। तो वास्तव में यह प्रक्रिया क्या है, जो अमूर्त है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, जो भावनाएं, जो एक्सप्रेशन है कवि की अथवा नायक नायिका की, तो ये अमूर्त है। तो इसको मूर्त बनाने की प्रक्रिया में जिन चीजों का, जिन साधनों का, जिन उपकरणों का सहारा लेता है कवि अथवा लेखक, अथवा कवि की, कवि अपनी निजी अनुभूतियों को जन साधारण की अनुभूति बनाने के लिए जिन उपकरणों का सहारा लेता है, जिन उपादानों का सहारा लेता है और इसको रूपांतरित कर देता है, अमूर्त भावनाओं को वह अमूर्त रूप दे देता है, तो किसके माध्यम से देता है, वस्तुनिष्ठ समीकरण के माध्यम से देता है। अब डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा ने वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत के संबंध में इसकी समस्या को उठाते हुए इसका समाधान प्रस्तुत करते हुए लिखा है। अब इन्होंने इसकी विस्तार से व्याख्या की है डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा ने कि वास्तव में यह होता क्या है, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत है क्या। तो इन्होंने लिखा है, कवि जब काव्य रचना में प्रवृत्त होता है, कवि जब कोई कविता लिखना शुरू करता है तो उसके मूल में प्रेरक भाव कोई एक ही रहता है, परंतु बाद में अनेक भाव, संवेदन तथा विचार परस्पर मिलने लगते हैं और काव्य की परिणति या समाप्ति होते होते तक न जाने उसमें कितने भाव, संवेदनों तथा विचारों का सम्मिश्रण एवं विलयन हो चुका होता है। तो डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा का यह कहना है, जब कोई कवि कविता लिखना शुरू करता है, कविता लिखने में प्रवृत्त होता है, तब उसके मन में केवल कुछ ही विचार, कुछ ही भावनाएं, कुछ ही अनुभूतियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है और जब उसकी रचना समाप्ति की ओर अग्रसर होती है, समाप्त होने तक पहुंचती है, तब उसमें बहुत सारी भावनाओं, विचारों, अनुभूतियों का समागम, समावेश हो चुका रहता है और ये सभी भाव संवेदन तथा विचार अमूर्त होते हैं। अमूर्त होते हैं मतलब जो हमको दिखाई नहीं देते, जो दृष्टिगोचर नहीं होते, क्योंकि कवि की निजी अनुभूतियां हैं, वो उसके मन में हमको दिखाई नहीं देंगी, ना हमको महसूस होंगी, अमूर्त का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अमूर्त दिखाई नहीं दे सकता, और भावक को अप्रत्यक्ष की अनुभूति नहीं हो सकती। अब जो भावक है मतलब जो पाठक है, जो श्रोता है अथवा जो सहृदय है, तो उसको तो कवि की जो अप्रत्यक्ष अनुभूतियां हैं जो अमूर्त हैं, तो उसका तो पता नहीं चल पाएगा, उसे अनुभूति नहीं हो पाएगी उसकी। अतः प्रश्न है कि अनुभूति की, इन्हें अनुभूति के योग्य कैसे बनाया जाए, अर्थात कवि के मन से भावक के मन तक इनका संप्रेषण कैसे हो, अर्थात कवि की जो निजी अनुभूतियां हैं वह किस प्रकार से पाठकों तक, श्रोताओं तक, दर्शकों तक संप्रेषित हो सके, कवि की अनुभूतियां कैसे उन तक संप्रेषित हो, अर्थात कैसे उन्हें, कैसे कवि की निजी अनुभूतियों को जो पाठक अथवा श्रोतक अथवा दर्शक है वह कैसे उन्हें महसूस कर सके, जो कवि की अनुभूतियां हैं कैसे उसे अपनी अनुभूतियां बना सके, कैसे उस तक यह संप्रेषित हो। तो यहां पर एक ओर तो कवि है और दूसरी ओर भावक है। भावक को बोलते हैं श्रोता, दर्शक अथवा पाठक अथवा सहृदय। तो एक और कवि है, दूसरी ओर भावक है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, कोई संबंध सूत्र नहीं है। जैसे यहां पर आप देख लेते हैं ये कवि है और यहां पर क्या है, श्रोता और ये है। अब इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, वाईफाई जैसा कोई माध्यम नहीं है दोनों के बीच, तो कैसे वह समझेगा, कैसे कवि की अनुभूतियों को कोई पाठक समझ पाएगा। अब यह कोई ऐसी ठोस चीज तो है नहीं कि वह अपनी अनुभूतियों को उठाकर उस तक पहुंचा दे, उस तक दे दे कि भाई रखो मेरी अनुभूतियों को, आप रख लो, आप समझ जाओ। तो यह तो अमूर्त चीज है। अब इस अमूर्त चीज को भावक तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि अमूर्त का संप्रेषण नहीं हो सकता, यह सिद्ध है। अमूर्त चीज है जो ठोस धरातल पर नहीं है, जो मूर्त नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहे, उसको कैसे आप देंगे। ऐसी स्थिति में एक ही उपाय है कि किसी मूर्त वस्तु की सहायता से अमूर्त को संप्रेषित किया जाए। तो जब ऐसी परिस्थितियां आती है तब कवि को प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है कि वह प्रतीकों के माध्यम से अपनी भावनाओं को पाठकों, श्रोताओं अथवा दर्शकों तक पहुंचाता है, और यही सिद्धांत कहलाता है इसका, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। लेकिन यह प्रतीक कैसा होना चाहिए, प्रतीक भी ऐसा होना चाहिए जो कवि की अनुभूतियों को जन साधारण तक पहुंचाने में समर्थ हो, उससे मिलता जुलता होना चाहिए, वह प्रतीक उसकी भावनाओं के अनुकूल होना चाहिए। इसी प्रश्न का समाधान करने के लिए टीएस इलियट ने मूर्त विधान या वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो इस संप्रेषण की जो समस्या है,
कवि अपनी निजी अनुभूतियों को पाठकों, श्रोताओं अथवा दर्शकों तक, भावकों तक अथवा साधारण मनुष्यों तक कवि अपनी अनुभूतियों को पहुंचाने के लिए किसका सहारा लेता है? इस समस्या का समाधान करने के लिए वह मूर्त विधान अथवा बिंब विधान अथवा वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का सहारा लेता है। और यह सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत थोड़ा आपको यहां पर कठिन लगेगा, बाद में इसे सरल भाषा में आपको मैं स्पष्ट करूंगा। तो वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत का सूत्र क्या है, वह फार्मूला क्या है, वह सूत्र क्या है जिसके माध्यम से कवि अपनी अनुभूतियों को पाठकों, दर्शकों अथवा श्रोताओं तक संप्रेषित करता है? तो संप्रेषण करने का फार्मूला क्या है, आइए देखते हैं। इलियट के वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत से संबंधित सूत्र इस प्रकार है। कला के रूप में भावाभिव्यक्ति का एकमात्र मार्ग वस्तुनिष्ठ समीकरण को पाना है। मतलब जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये कवि है ना, यहां पर ये कवि हो गया और ये हो गया उसका पाठक। तो यह जब अपनी अनुभूतियों को वहां पहुंचाना चाहता है, यहां तक संप्रेषित करना चाहता है, तो उसके लिए उसको प्रतीकों का प्रयोग करना पड़ेगा, एक समीकरण का निर्माण करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में ऐसी वस्तु संघटना, मतलब ऐसा ऐसे शब्दों का चयन करना है, ऐसे प्रतीकों का चयन करना है, ऐसी स्थितियों का निर्माण करना है और ऐसी घटनाओं की सीरीज बनानी है, श्रृंखला प्रस्तुत करना है जो उस नाटकीय भाव का सूत्र हो, ताकि वे बाह्य वस्तुएं जिनका पर्यवसान मूर्त मानस अनुभव में हो, जब प्रस्तुत की जाए तो तुरंत भावोद्रेक हो जाए। मतलब वह ऐसे प्रतीकों का प्रयोग करे, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे, ऐसी स्थितियों का वर्णन करे, ऐसी वस्तुओं का सहारा ले कि उसकी निजी अनुभूतियां पाठकों तक पहुंच सके। ऐसा प्रतीक विधान करे, बिंब विधान करे कि उसकी जो अनुभूतियां हैं उसको पाठक महसूस कर सके। जैसे राम की शक्ति पूजा में ऐसे वातावरण का निर्माण किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। भगवान राम अंधेरे में बैठे हुए हैं अपनी सेनाओं के साथ में, तो यह जो अंधकार है, अंधकार का जो वातावरण वहां पर निर्मित किया गया है, वह निराशा का प्रतीक है, क्योंकि जो शक्ति है, जो दुर्गा है, बार बार रावण का सहायता कर रही है और भगवान राम बार बार पराजित हो रहे हैं, तो उनके मन में निराशा व्याप्त है। तो अंधकार जो है निराशा का प्रतीक है, लेकिन वहीं पर एक मशाल जल रही है और उस मशाल की रोशनी किसका प्रतीक है? उम्मीदों की, आशाओं की, आकांक्षाओं का प्रतीक है। भगवान राम के मन में माता सीता की जो स्मृतियां हैं वह उनमें उत्साह का, उम्मीदों का संचार करती हैं कि मैं उन्हें छुड़ाकर अवश्य ले आऊंगा। क्योंकि यहां पर यह जो प्रश्न है केवल मां सीता की मुक्ति का प्रश्न नहीं है, बल्कि जो शोषित और प्रताड़ित लोग हैं उस समय रावण के राज्य में या रावण के आतंक से जो त्रस्त हैं उनसे भी उन्हें मुक्ति प्रदान करना है। तो यहां अंधेरा जो है निराशा का प्रतीक हो गया है, एक वातावरण निर्मित कर दिया गया है ग्लूमी टाइप का, और जो मशाल वहां पर जल रही है तो वह मशाल उम्मीदों, आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। तो इस प्रकार का वातावरण तैयार कर दिया गया है। तो इस सूत्र में यही कहा गया है कि इस टाइप के वातावरण का, इस टाइप के प्रतीकों का प्रयोग करना चाहिए, तभी कवि अपनी अनुभूतियों को जन साधारण तक पहुंचा सकता है, दर्शकों तक, पाठकों तक, श्रोताओं तक वह अपनी अनुभूतियों को इस प्रकार का वातावरण निर्मित करके, इस प्रकार के प्रतीकों का निर्माण करके, इस प्रकार के बिंबों का निर्माण करके, मूर्त विधान करके वह अपनी अनुभूतियों को जन साधारण तक पहुंचा सकता है। तो यह इसका सूत्र है। अब ऊपर आपने इलियट का सूत्र देखा तो आपको थोड़ा कठिन लगा होगा, तो मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में यहां पर व्याख्या कर देता हूं, यह इस सिद्धांत का सार है। तो टीएस इलियट ने जो सूत्र दिया है वस्तुनिष्ठ समीकरण के सिद्धांत का, जो सूत्र दिया है टीएस इलियट ने, तो उसको हम यहां पर कैसे सरल शब्दों में समझ सकते हैं? इलियट के वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का सूत्र स्पष्ट नहीं है, निश्चित रूप से आप समझ नहीं पाए होंगे, और यह व्याख्या की अपेक्षा रखता है। इसकी व्याख्या की जानी चाहिए, इसका अर्थ सरल भाषा में स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है, तभी आप इसे समझ पाएंगे। तो निम्नलिखित बिंदुओं में इसकी व्याख्या सरल और सरल ढंग से की जा सकती है। यह क्या है? जा सकती है ना? तो आइए हम इसकी सरल भाषा में इसकी हम व्याख्या करें कि जो भाव होते हैं, जो कवि की जो भावनाएं होती है, जो फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, वह मूलतः अमूर्त होता है, जो दिखाई नहीं देता, दृष्टिगोचर नहीं होता है, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति किसी मूर्त वस्तु या स्थिति की सहायता से ही संभव है। क्योंकि जो कवि की भावनाएं हमको दिखाई नहीं देती, अनुभूतियां हमको महसूस नहीं होती, क्योंकि कवि की निजी अनुभूतियां हैं जो अमूर्त हैं, जो दृष्टिगोचर नहीं होती, तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए वह किसी मूर्त वस्तु या प्रतीक का सहारा लेता है, या उस तरह का वातावरण या बिंब निर्मित करता है हमारे दिमाग में। दूसरा, जिस भाव की अभिव्यक्ति की जानी है और जिस वस्तु व्यापार के माध्यम से यह अभिव्यक्ति की जाती है,
उनके बीच ऐसा संबंध होना चाहिए कि उस वस्तु के उपस्थित होने पर तत्काल वह भाव अभिव्यक्त हो सके। मतलब प्रतीकों का चयन भी रैंडमली नहीं कर देना है, यादृच्छिक रूप से वह प्रतीक नहीं उठा सकता। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में जो अंधेरा है वह निराशा का प्रतीक है, बुरी शक्तियों का प्रतीक है ना। तो इसीलिए राम की शक्ति पूजा में जो अंधकार है रात्रि का, वह निराशा का, नाउम्मीदी का प्रतीक है, दुष्ट शक्तियों का प्रतीक है। तो और वहीं पर जो मशाल है, जो रोशनी है, जो दीपक है, दिया है, उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतीक है रोशनी। तो रोशनी और अंधेरा दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। तो इसलिए वहां पर जो भगवान राम के मन की जो निराशा है उसको अभिव्यक्त कर रहा है रात्रि का अंधकारमय वातावरण, और उनके अंदर जो एक छोटी सी चिंगारी है उम्मीदों की, आशाओं की, आकांक्षाओं की, उसका प्रतीक है मशाल। तो इस प्रकार जो भावनाएं हैं कवि की, जो भावनाएं हैं वह ऐसे प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाना चाहिए कि उस प्रतीक को देखते, इस प्रतीक को पढ़कर, उसके बारे में पढ़कर जो हमारे दिमाग में जो बिंब उभरता है उन दोनों के बीच बिल्कुल सामंजस्यपूर्ण संबंध होना चाहिए। इसको पढ़कर वही अनुभूति होनी चाहिए जो वास्तव में कवि चाहता है कि हम उसी अनुभूति को महसूस करें। तीसरा, भाव के प्रकृत रूप। प्रकृत रूप मतलब प्राकृतिक रूप। भाव के प्रकृत रूप से संबद्ध कोई वस्तु, जैसे मैंने बताया कि भावना कौन सी है, निराशा है, निराशा का प्रतीक हो गया रात, और आशाओं, आकांक्षाओं, उम्मीदों का प्रतीक कौन सा हो गया, मशाल। तो ऐसी कोई वस्तु, समुदाय, कोई परिस्थिति या कोई घटना, श्रृंखला हो सकती है जिसे उस अमूर्त भाव को मूर्त रूप में अभिव्यक्त और संप्रेषित किया जा सके। अर्थात कवि को ऐसी प्रतीकों, ऐसे प्रतीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा बिंब विधान किया जाना चाहिए, मूर्त विधान किया जाना चाहिए, जिससे कि जो अमूर्त भावनाएं हैं वह मूर्त रूप में उसको अभिव्यक्ति प्रदान कर सके वह, और उसको उसी रूप में संप्रेषित कर सके जिस रूप में वह संप्रेषित करना चाहता है या फिर जैसा वह महसूस करता है। मतलब कवि अपनी अनुभूतियों को प्रतीकों के माध्यम से, बिंब विधान के माध्यम से, मूर्त विधान के माध्यम से पाठकों और श्रोताओं या दर्शकों तक संप्रेषित कर सके। तो ऐसा उस चीज को ऐसा चुनना है उसको जिसके माध्यम से वह सही बातों को संप्रेषित कर सके जो वास्तव में वह संप्रेषित करना चाहता है। वास्तव में बाह्य वस्तुएं ही कवि और आस्वादक या पाठक के बीच सूत्र भाव तादात्म्य स्थापित करने में माध्यम की भूमिका का निर्वाह करती है। उन्हीं के द्वारा कवि और पाठक एक भाव भूमि पर मिलते हैं। तो ये जो बाहरी जो वस्तुएं हैं, ये जैसे कवि हो गया और यह हो गया पाठक, तो इन दोनों के बीच जिस प्रतीक विधान जो किया जाता है, तो यह प्रतीक विधान ऐसा होना चाहिए कि कवि की जो निजी अनुभूतियां हैं वह जन साधारण की अनुभूति बन जाए, कवि की अनुभूति पूरी तरह से उसके पाठकों में, उसके श्रोताओं में, दर्शकों में संप्रेषित हो सके। तो ऐसा एक सामंजस्य होना चाहिए, हारमनी होनी चाहिए दोनों की भावनाओं में। और यह किसके माध्यम से होता है, बाहरी वस्तुओं के माध्यम से होता है, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से होता है, जो हमको दिखाई देती हैं, जिनको हम महसूस करते हैं, जिनको हम देखते हैं। एक बार भाव के उद्बुद्ध होते हैं उसे संबद्ध वस्तु व्यापार की इंद्रिय अनुभूति समाप्त हो जाती है, और एक बार जब पाठक अथवा श्रोता अथवा दर्शकों में जो कवि जो महसूस कर रहा है वही अनुभूति जब उनके मन में जागृत हो जाती है, तो वास्तव में ये जो वस्तुएं हैं इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो जब उम्मीद जग गई, भगवान राम के मन में जो उम्मीद है, जो आशा और आकांक्षा है, जब दर्शकों के मन में भी वही अनुभूति होती है, तब उस मशाल का कोई वहां पर भूमिका नहीं रहती, वास्तव में खाली उम्मीदों और आशाओं का महत्व रह जाता है। उसी प्रकार जो अंधकार है, जो निराशा का वातावरण है, तो एक बार उन्होंने उसको महसूस कर लिया अंधेरे को कि यह निराशामय वातावरण है, नैराश्यमय वातावरण है, तब उसके बाद उस अंधेरे का कोई महत्व नहीं रह जाता और इंद्रिय अनुभूति समाप्त हो जाती है जिसको हम महसूस करते हैं इंद्रियों के द्वारा। तो इस प्रकार वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत के अनुसार कविता आदि कलाकृतियां एक प्रकार की वाचिक संरचना होती है। वाचिक संरचना मतलब जिसको हम बोलकर अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। तो वास्तव में कविता क्या है, बोलकर अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है जिसके माध्यम से उन मनोभावों का संप्रेषण होता है जिनका संप्रेषण करना कवि का मुख्य उद्देश्य। अर्थात कवि जब कोई कविता पढ़ता है उसको वाचिक अभिव्यक्ति प्रदान करता है, तो वो जो उसके मन में भावनाएं हैं उन्हीं भावनाओं को श्रोता अथवा दर्शक महसूस कर पाते हैं, और कवि अपनी अनुभूतियों को संप्रेषित करना ही कवि का मुख्य लक्ष्य है। अपनी अनुभूतियों को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करना और उसे उसी रूप में संप्रेषित करना जिस रूप में कवि स्वयं महसूस करता है, इसे हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। और यही कवि का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है।
तो कवि क्या करता है, अपने मनोभावों को सीधे पाठक तक उसी तीव्रता के साथ संप्रेषित नहीं कर सकता जैसा वह स्वयं महसूस करता है, और इसके लिए वह किसी न किसी माध्यम का सहारा लेता है। अर्थात कवि की जो अपनी अनुभूतियां हैं, जिन अनुभूतियों को जिस गहराई से जिस तीव्रता से कोई कवि महसूस करता है, वह उतनी ही तीव्रता के साथ उतनी इंटेंसिटी के साथ वह अपने पाठकों, श्रोताओं अथवा दर्शकों तक पहुंचाना चाहता है कि जैसा मैं महसूस कर रहा हूं वैसे ही मेरे श्रोता अथवा पाठक भी महसूस करें। तो ऐसा संप्रेषण के लिए उसे किसी न किसी माध्यम का सहारा लेना पड़ता है, चाहे वह घटनाओं की श्रृंखला हो, चाहे प्रतीक विधान हो, चाहे बिंब हो, चाहे मूर्त विधान हो, चाहे घटनाओं की श्रृंखला हो या कोई न कोई वस्तु हो, तो एक माध्यम चाहिए उसको। तो यही यही वस्तुओं, घटनाओं और घटना श्रृंखला के रूप में आता है, और इसी के माध्यम से कवि जो कुछ करना चाहता है वह निजी न रहकर वस्तुनिष्ठ हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो जब इन घटनाओं वस्तुओं, घटना का जो सीरीज है, श्रृंखला है और विभिन्न प्रकार के प्रतीक है, इनका प्रयोग करके जब कवि कुछ कहना चाहता है और संप्रेषित करना चाहता है, और जब वह संप्रेषण में सफल हो जाता है, तब कवि की निजी अनुभूतियां जन साधारण की अनुभूतियां हो जाती है, कि वह उसकी निजी अनुभूतियां नहीं रह जाती, उन अनुभूतियों का साधारणीकरण हो जाता है, मतलब कवि की निजी अनुभूतियां आम आदमी की अनुभूतियों में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कवि की निजी अनुभूतियों को पाठक, श्रोता अथवा दर्शक यह समझता है कि यह मेरी अनुभूतियां हैं, अथवा मेरी अनुभूतियों को कवि ने अपने शब्दों में बयान किया है, दर्ज किया है। इस प्रकार कवि अपनी कविता के माध्यम से अपने भावनाओं को सीधे संप्रेषित नहीं करता या संप्रेषित नहीं कर पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, बल्कि उन्हें प्रतीकों के माध्यम से जागृत करता है। मतलब उसके मन में जो भावनाएं हैं, प्रतीकों के माध्यम से वह उन्हीं भावनाओं को अपने भावकों के मन में, सहृदयों के मन में जागृत करता है। इलियट के इस वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को भारतीय रस सिद्धांत के विभावन व्यापार की संज्ञा दी गई है। तो रस सिद्धांत के अंतर्गत मैंने सभी उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव इत्यादि की चर्चा किया है। मतलब जो नायक की चेष्टाएं हैं, जो काम, जो गतिविधियां हैं, जो नायिका की गतिविधियां हैं, नायिका की चेष्टाएं हैं, जो बाहरी वातावरण है, उन सब का जो बिंब निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उद्दीपन और आलंबन, आप वहां पर जाकर मेरा लेक्चर जरूर अटेंड करें तब इन चीजों को समझ पाएंगे, नतीजा लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो भारतीय रस सिद्धांत में जिसे हम कहते हैं विभावन व्यापार, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव इत्यादि आपने पढ़ा है या उसी के अनुकूल है, भारतीय रस सिद्धांत में इसे विभावन व्यापार कहा जाता है। व्यापार मतलब कार्य। इलियट की वस्तुनिष्ठ समीकरण या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की अवधारणा को भारतीय काव्यशास्त्र की विभावन व्यापार से संबंधित अवधारणा के एकदम निकट माना जाता है। तो मूलतः यह प्रक्रिया अमूर्त के मूर्त अथवा वैयक्तिक के निर्वैयक्तिक में रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसलिए यदि हम एक वाक्य में यह कहें कि वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत क्या है, तो वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत क्या है, कवि की जो अमूर्त भावनाएं हैं अथवा लेखक की जो अमूर्त भावनाएं हैं, उन भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान कर देना, अथवा कवि की निजी अनुभूतियों को साधारणीकरण के माध्यम से पाठकों अथवा श्रोताओं की अनुभूतियों में परिवर्तित कर देना ही क्या है, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत है। और यह कवि की अनुभूतियों के संप्रेषण से जुड़ा हुआ है। अब हम निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं, देखते हैं। विद्वानों का यह मानना है कि वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में कोरिलेटिव, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का सिद्धांत, या फिर इसे हम मूर्त विधान का सिद्धांत कहते हैं। मूर्त विधान का तात्पर्य है बिंब विधान। बिंब विधान मतलब बिंबों का निर्माण, दिमाग में इमेज का निर्माण, चित्रों का निर्माण। यह इलियट की मौलिक उद्भावना का प्रतिफल नहीं है, मतलब यह इसके जन्मदाता नहीं है, मौलिक रूप से उन्होंने इस सिद्धांत को जन्म नहीं दिया है, बल्कि इसका सबसे पुराना संकेत प्रथम बार अरस्तु के चिंतन में मिलता है। तो यह वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत के इन्हें पूरी तरह से इनका मौलिक, इनकी विचारधारा नहीं है, इन्होंने मौलिक रूप से इसका प्रतिपादन नहीं किया है, मौलिक उद्भावना नहीं है, बल्कि सबसे पहले इसका संकेत हमको जो यूनानी दार्शनिक अरस्तु के चिंतन में मिलता है। तत्पश्चात फ्रांस के प्रतीकवादी भी अपने काव्य में इसी पद्धति का सहारा लेते हैं। फ्रांस में प्रतीकवाद करके आंदोलन चला हुआ था, सिंबलिज्म, तो प्रतीकवादी भी इसी पद्धति का सहारा लेते हैं कि प्रतीकों के माध्यम से अमूर्त विचारों अथवा भावनाओं को व्यक्त करना। यह भी संभव है कि प्रतीकवादियों से ही इलियट ने इस मूर्त विधान की अवधारणा को ग्रहण किया हो, क्योंकि दोनों में थोड़ा ही अंतर है। हो सकता है कि टी एस इलियट ने इस अवधारणा
का जो आधारभूत जो चीज है उसको कहां से लिया है, इस अवधारणा को कहां से ग्रहण किया है। हो सकता है इन्होंने फ्रांस के प्रतीकवादियों से लिया होगा, क्योंकि जो प्रतीकवाद है और वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत है, इन दोनों में बहुत ही कम अंतर है। इलियट वस्तु की व्यंजकता से ज्यादा भाव के साथ उसके सटीक संबंध को महत्व देते हैं। तो इलियट का कहना है कि जो भावनाओं के साथ जो प्रतीकों का संबंध है यह ज्यादा गहन होना चाहिए। एक्स मतलब अभिव्यक्ति के बजाय प्रतीक और जो भाव है उन दोनों का संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण है। जबकि फ्रांस के जो प्रतीकवादी चिंतन है इनका क्या कहना है, प्रतीक की सटीकता से ज्यादा उसकी व्यंजकता के काल रहे हैं। लेकिन फ्रांसीसी जो प्रतीकवाद है वो कहते हैं कि ठीक है प्रतीक आपका सही होना हो, एकदम सटीक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए अलग मामला है, लेकिन उस प्रतीक के माध्यम से एक्सप्रेस करने की जो क्षमता है, कवि की भावनाओं को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है उस प्रतीक में, तो यह क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। भले ही प्रतीक थोड़ा कमजोर हो तो चल सकता है, लेकिन उसके माध्यम से कवि की अनुभूतियों का पूरी तरह से संप्रेषण हो जाना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। तो इलियट का मूर्ति विधान सिद्धांत या वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत, यह भारतीय रस सिद्धांत का विभावन व्यापार ही प्रतीत होता है। तो इस प्रकार इलियट का यह जो सिद्धांत है, मूर्ति विधान का सिद्धांत या वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, यह भारतीय रस सिद्धांत के विभावन व्यापार, उद्दीपन आलम्बन जो विभाव होते हैं उनके जैसा ही प्रतीत होता है। विभावन व्यापार में किसी भाव को उद्बुद्ध करने में आलम्बन और उद्दीपन विभाव के समान रूप से सार्थकता है। अर्थात कोई पाठक अथवा श्रोता अथवा दर्शक के मन में भावनाएं कैसे जागृत होंगे, वे आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव के माध्यम से जन्म लेते हैं, जो कि भारतीय रस सिद्धांत से इसका संबंध है। तो इलियट ने इस अवधारणा के आधार पर शेक्सपियर के नाटक हैमलेट को एक असफल नाटक माना है। उनका तर्क है कि इसमें नियोजित बाह्य वस्तु व्यापार भाव संवेदन को जागृत करने के लिए पर्याप्त है। तो जब इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने हैमलेट की समीक्षा की, हैमलेट जो नाटक है शेक्सपियर का, उसकी जब उन्होंने समीक्षा की, उसकी आलोचना की, तो उन्होंने पाया कि हैमलेट में जो नाटककार शेक्सपियर हैं, वे जो नाटककार ने अपने अमूर्त भावनाओं को अथवा नायक के अमूर्त भावनाओं को पूरी तरह से पाठकों अथवा दर्शकों अथवा श्रोताओं तक संप्रेषित करने में पूरी तरह से असफल हैं, क्योंकि उन्होंने उस तरह के प्रतीकों का प्रयोग नहीं किया है, उस प्रकार के बिंबों का प्रयोग नहीं किया है। बिंब विधान और मूर्ति विधान में वे पूरी तरह से असफल रहे हैं। इसलिए वे जो नाटककार की जो अनुभूतियां हैं वे सही ढंग से भावकों तक, सहृदयों तक, श्रोताओं अथवा दर्शकों अथवा पाठकों तक सही ढंग से संप्रेषित नहीं कर पाए हैं और वे अपर्याप्त हैं। जैसे कि हम हिंदी साहित्य में देखते हैं, हिंदी में जो तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है जो अवधी भाषा में लिखा हुआ है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के राम की शक्ति पूजा, जिसका मैंने बार बार ऊपर उदाहरण दिया है, मूर्त विधान के आदर्श हैं जिनमें अमूर्त भावों को मूर्त करने में कवियों को अद्भुत सफलता मिली है। तो ये बिंब विधान और प्रतीक विधान की दृष्टि से ये दोनों ही रचनाएं हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इनका बहुत ही चरम स्थान परम स्थान प्राप्त है। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तव में जो वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत है वह कवि की जो अमूर्त अनुभूतियां हैं, जो दृष्टिगोचर नहीं है, जो कवि सिर्फ स्वयं महसूस कर सकता है, उन अनुभूतियों को दर्शकों अथवा पाठकों अथवा श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए कवि जिन माध्यमों का सहारा लेता है, अथवा साहित्यकार जिन माध्यमों का सहारा लेता है, जिन घटनाओं का, जिन वस्तुओं का, जिन परिस्थितियों का सहारा लेता है, जिन प्रतीकों का सहारा लेता है, इसे ही हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। लेकिन प्रतीकों का चयन करते समय किसी कवि अथवा साहित्यकार को पूरी तरह से जागरूक रहना चाहिए, ताकि जो उसके प्रतीक हैं और जो उसकी भावनाएं हैं उन दोनों में एक सामंजस्य हो, एक हारमोनी हो, ताकि वह उस प्रतीक के माध्यम से जिस भावना को अभिव्यक्त करना चाहता है वह उसी प्रकार पाठकों अथवा श्रोताओं अथवा दर्शकों तक सही ढंग से संप्रेषित हो सके, कम्युनिकेट हो सके। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि इसको आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना होगा और इसे भली भांति समझ लिया होगा। और इसके बाद भी यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलता रहे। और ये जो मेरा आर्टिकल है, जो लेख है, यह मेरी वेबसाइट www.hindishikhar.com पर आप इसको पढ़ सकते हैं, और मेरी दूसरी वेबसाइट है www.hindiadab.com। तो यदि वहाँ पर मेरे सारे लेख आप पढ़ना चाहते हैं तो उस जरूर साइट को विजिट करें, और वहाँ पर भी कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा प्रयास कैसा रहा। मेरी वेबसाइट पर भी लिखकर बताएं, और यहाँ भी लिखकर टिप्पणियाँ लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का प्रयास आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।